नरेंद्र मोदी जी। तीनों ही स्थानों पर अलग अलग रैक हैं। सभी सजी सभी रेलगाड़ियां नए यात्रियों के साथ इसी समय रवाना हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मध्य प्रदेश को 2300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ रिमोट के माध्यम से करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह। देश प्रदेश में रेल सुविधाओं के आधुनिकीकरण, मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण, ग्वालियर स्टेशन के नव निर्माण कार्यों तथा रेलवे की अन्य विकास गतिविधियों को आइए देखते हैं एक लघु फिल्म के जरिए। तेजी से विकसित होते और नित बदलते भारत की मिसाल बनकर उभरी है भारतीय रेल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर हिस्से में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुए हैं। रेलवे भी इन 9 वर्षों में आधुनिक, तेज, सुरक्षित और नवीन हुई है। नए भारत की नई रेलवे आज समग्र बदलावों के साथ जन जन की रेलवे बनकर उभरी है। हमने सिर्फ स्केल और स्पीड को ही बेहतर नहीं किया, बल्कि अनेक स्तरों पर सुधार किया। ये सुधार क्वालिटी में हुआ है, सुविधा में हुआ है, सुरक्षा में हुआ है, स्वच्छता में हुआ है। देश भर में रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार आज स्पष्ट दिखता है। गरीब और मध्यम वर्ग को भी आज वही माहौल दिया जा रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों की पहुंच में ही होता था। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रेलवे परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। इसी क्रम में 2300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बिरला नगर से उदी मोड़ तक 103 किलोमीटर और महोबा खजुराहो उदयपुरा रेलखंड पर 196 किलोमीटर के विद्युतीकरण से ग्वालियर और इटावा स्टेशनों के बीच सीधा संपर्क हो जाएगा, जिससे पैसेंजर ट्रेनों और फ्रेट ट्रेनों दोनों की रफ्तार बढ़ेगी, पर्यटकों को आसानी होगी। विद्युतीकरण हो जाने से अब इस खंड पर ट्रैक्शन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, डीजल की बचत होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट 183 किलोमीटर गेज परिवर्तन सहित विद्युतीकरण से आवागमन सुगम होगा और ट्रेनों का संचालन बढ़ेगा। इस रेल खंड में स्थित छिंदवाड़ा स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जो पचमढ़ी, पातालकोट तथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान जैसे पर्यटन स्थल को जोड़ता है। इस खंड के ब्रॉड गेज होने से पर्यटकों की यात्रा तेज और सुगम होगी और मंडला जिले के आदिवासी भाई बहनों के आर्थिक तरक्की के नए अवसर बनेंगे। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। हरित रेलवे के विजन के साथ वर्ष 2030 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो संकल्प लिया गया है, उसकी सिद्धि में ये कार्य अहम साबित होगा। आज ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य प्रारंभ हो रहा है। यह स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग ब्लॉक होंगे ताकि यात्रियों को सुविधा हो।
साथ ही होंगी पार्किंग की सुविधा, इंटरमोडल कनेक्टिविटी, विशाल रूफ प्लाजा और प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, लिफ्ट, सीढ़ी, स्काई वॉक से जुड़े प्लेटफॉर्म और दिव्यांग जन के अनुकूल सुविधाएं। साथ ही आज छिंदवाड़ा से नैनपुर और रीवा से इतवारी के लिए नई ट्रेनों की शुरुआत भी की जा रही है, जिससे छिंदवाड़ा, नैनपुर और रीवा इतवारी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इन ट्रेनों के प्रारंभ होने से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एवं व्यापार की असीम संभावनाओं को गति मिलेगी और रोजगार के साधन बढ़ेंगे, जिससे ये संपूर्ण क्षेत्र सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। आधुनिक विकास के लक्ष्य के साथ इन रेलवे परियोजनाओं से कृषि, उद्योग और पर्यटन जैसे अहम सेक्टर को विशेष बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पूरे क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक प्रगति को गति मिलेगी और भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश और तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल जीवन मिशन के तहत रीवा संभाग के रीवा, सीधी तथा सतना जिलों के 4036 ग्रामों के निवासियों को लाभान्वित करने वाली 7853 करोड़ रुपए की समूह जल प्रदाय योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि कृपया आप अपने कर कमलों से रिमोट के ही माध्यम से 4,11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाखों लाभार्थियों का उनके अपने घरों में गृह प्रवेश कराया है। आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन परिवारों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है जो संसाधनों के अभाव में अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाते। आवासीनों के स्वयं के पक्के मकान का सपना पूरा करने प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिससे हर गरीब परिवार अब पक्की छत के नीचे खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। ये घर सबके लिए तरक्की लेकर आ रहे हैं। आज पीएम आवास योजना बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रही है। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। जिसको घर मिलता है उनको भी तरक्की होती है और जिस गांव में घर बनते हैं उन गांव वालों की भी तरक्की होती है। प्रधानमंत्री जी के सबको पक्का मकान के संकल्प को साकार करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रदेश में अब तक 38 लाख से अधिक स्वीकृत आवास में से 33,49,000 लाभार्थियों को इस योजना में स्वयं का पक्का घर उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शौचालय युक्त पक्के घर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक हितग्राही को शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की राशि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है। सर्व सुविधा पूर्ण आवास उपलब्ध कराने के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित हों, इसके लिए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10,000 महिलाओं सहित कुल 51,000 से अधिक प्रशिक्षित राजमिस्त्री कार्य कर रहे हैं, जबकि 10,000 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण जारी है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर पात्र परिवार को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मध्य प्रदेश की धरती पर फिर एक नई क्रांति होगी।
2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उन्हें स्वच्छ वातावरण वाला स्वयं का पक्का घर तो मिल ही रहा है, उनका जीवन आसान भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण देश में स्वामित्व योजना के 125,000,000 लाभार्थी हैं श्रीमती सीता साकेत तथा श्री सूरजलाल साकेत। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप ग्राम गढ़हरा जिला सिंगरौली के श्रीमती सीता एवं श्री सूरजलाल साकेत को अपने कर कमलों से स्वामित्व अधिकार अभिलेख प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संपूर्ण भारतवर्ष में ग्रामीण आबादी क्षेत्र में निवासियों को मालिकाना हक देने की ऐतिहासिक पहल है स्वामित्व योजना। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ हुआ और उसी वर्ष 1,00,000 संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। यह आंकड़ा आज 1.25 करोड़ को भी पार कर चुका है। स्वामित्व योजना देश के ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बना रही है और ग्रामोदय से भारत उदय का सपना साकार हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27,00,000 संपत्ति धारकों को मिलेगा उनकी संपत्ति का मालिकाना हक। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 के अवसर पर उद्बोधन हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से आदर सहित विनम्र आग्रह। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, पंचायती राज मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे भाई गिरिराज जी, विधायक गण, सांसद गण, अन्य सभी महानुभाव और बड़ी संख्या में यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रीवा की इस ऐतिहासिक धरती से मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती शूरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है। मैं अनगिनत बार रीवा आया हूं, आपके बीच आया हूं और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा है। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को देश की 2,50,000 से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ ही
30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, हम सभी इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं। काम के दायरे भले ही अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जनसेवा से राष्ट्र सेवा। मुझे खुशी है कि गांव गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है, उन्हें हमारी पंचायतें पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही है। भाइयों और बहनों, आज यहां ई ग्राम स्वराज और ई ग्राम पोर्टल को मिलाकर जो नई व्यवस्था लॉन्च की गई है, उससे आपका काम और आसान होने वाला है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत भी देश के 35 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाएं हैं। गांव गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्माण करने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए, भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायत व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें सशक्त कर रहे हैं, पंचायतों में सुविधा बढ़ा रहे हैं, ये आज गांव वाले भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। 2014 से पहले पंचायतों के लिए वित्त आयोग का अनुदान 17,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आंकड़ा याद रखोगे आप? आंकड़ा याद रखोगे? कुछ आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा। याद रखोगे?
14 के पहले 17,000 करोड़ से कम। क्या इतनी कम राशि से इतना बड़ा देश, इतनी सारी पंचायतें कैसे अपना काम कर पाती? 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। आप बताएंगे मैंने कितना बताया, पहले कितना था अब कितना हुआ? चला जाए साहब, अब आप अंदाज लगा सकते हैं काम कैसे करते हैं। मैं आपको दो और उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले के 10 वर्षों में, मैं उन 10 साल की बात करता हूं, केंद्र सरकार की मदद से 6,000 के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे। पूरे देश में करीब करीब 6,000 पंचायत घर बने थे। हमारी सरकार ने 8 साल के अंदर अंदर 30,000 से ज्यादा नए पंचायतों भवन का निर्माण करवा चुकी है। अब ये आंकड़ा भी बताएगा कि हम गांवों के लिए कितने समर्पित हैं। पहले की सरकार ने ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की योजना भी शुरू की थी, लेकिन उस योजना के तहत देश की 70 से भी कम, 100 भी नहीं, 70 से भी कम ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था, वो भी शहर के बाहर जो नजदीक में पंचायत पड़ती थी वहां पर गए थे। ये हमारी सरकार है जो देश की 2,00,000 से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर को ले गई है। फर्क साफ है दोस्तों, आजादी के बाद की सरकारों ने कैसे भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो व्यवस्था आजादी के भी सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्षों पहले से थी, उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया गया। पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत थी। साथियों, 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है और आज इसके परिणाम नजर आ रहे हैं। आज भारत की पंचायतें गांवों के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही है। ग्राम पंचायतें गांव की आवश्यकता के अनुसार गांव का विकास करें, इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर काम किया जा रहा है। साथियों, हम पंचायतों की मदद से गांवों और शहरों के बीच की खाई को भी लगातार कम कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। आज पंचायत स्तर पर योजनाएं बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक में
टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप लोग अमृत सरोवर पर इतना काम कर रहे हैं, इन अमृत सरोवरों के लिए जगह चुनने में, काम पूरा करने में हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल हुआ है। आज यहां ई ग्राम स्वराज जेम इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। इससे पंचायतों के माध्यम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। इससे अब पंचायतों को कम कीमत में सामान मिलेगा और स्थानीय छोटे उद्योगों को भी अपना सामान बेचने का एक सशक्त माध्यम मिल जाएगा। दिव्यांगों के लिए ट्राइसिकल हो या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें, पंचायतों के सब सामान इस पोर्टल पर आसानी से मिलेगा। भाइयों और बहनों, आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक और लाभ हम पीएम स्वामित्व योजना में भी देख रहे हैं। हमारे यहां गांव के घरों के प्रॉपर्टी के कागजों को लेकर बहुत उलझने रही है। इसके चलते भली भांति के वाद विवाद होते हैं, अवैध कब्जों की आशंका होती है। पीएम स्वामित्व योजना से अब ये सारी स्थितियां बदल रही है। आज गांव गांव में ड्रोन टेक्नोलॉजी से सर्वे हो रहा है, मैप बन रहे हैं। इसके आधार पर बिना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। अभी तक देशभर में 75,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का कार्य पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रही है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था, कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। भाइयों और बहनों, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया, तो हम गांव की अर्थव्यवस्था को, गांव में सुविधाओं को, गांव के लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में ले आए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो 10 करोड़ गैस कनेक्शन मिले, वो गांव के लोगों को ही तो मिले हैं। हमारी सरकार में गरीबों के जो देश भर में 4.25 करोड़ से भी अधिक घर बने हैं, उसमें से 3 करोड़ से अधिक घर
गांव में ही तो बने हैं और इसमें भी बड़ी बात यह है कि इन ज्यादातर घरों में मालिकाना हक हमारी बहनों बेटियों माताओं का भी है। हमारे यहां एक ऐसी ट्रेडिशन चली, घर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, खेत हो पुरुष के नाम पर, महिलाओं के नाम पर कुछ होता ही नहीं था। हमने ये रिवाज बदला है और मालिकाना हक हमारी माताएं बहनें बेटियां बने। साथियों, भाजपा की सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है और आप जानते हैं आज के समय में पीएम आवास का हर घर लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत का होता है। यानी भाजपा ने देश में करोड़ों करोड़ों दीदी करोड़ों दीदी को लखपति दीदी बनाया है। मैं इन सभी लखपति दीदियों को प्रणाम करता हूं। आप आशीर्वाद दीजिए कि देश में और कोटि कोटि दीदी भी लखपति बने, इसके लिए हम काम करते रहे। आज ही यहां 4 लाख लोगों का उनके अपने पक्के घर में गृह प्रवेश हुआ है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लखपति दीदी बन गई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पीएम सौभाग्य योजना के तहत जिन 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंची उनमें से ज्यादातर गांव के ही घर है, गांव के रहने वाले मेरे भाई बहन हैं। गांव के लोगों के लिए हमारी सरकार ने हर घर जल योजना भी शुरू की है। सिर्फ 3-4 साल में इस योजना की वजह से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है। यहां एमपी में भी गांव में रहने वाले सिर्फ 13 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचता था, पहले की बात करता हूं। आज एमपी के गांवों में करीब करीब 60 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो 100% हो गया है। साथियों, हमारे गांव के लोगों का पहले देश के बैंकों पर अधिकारी नहीं माना जाता था, भुला दिया गया था। गांव के ज्यादातर लोगों के पास ना बैंक खाते होते थे और ना ही उन्हें बैंकों से सुविधा मिलती थी। बैंक खाता ना होने की वजह से सरकार जो पैसा गरीबों के लिए भेजती थी वो भी बीच में ही लूट जाता था। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरह बदल दिया है। हमने जनधन योजना चलाकर गांव के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए। हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस का उपयोग करके गांवों तक बैंकों की पहुंच बढ़ाई। हमने लाखों बैंक मित्र बनाए, बैंक सखियों को प्रशिक्षित किया। आज इसका प्रभाव देश के हर गांव में नजर आ रहा है। देश के गांवों को जब बैंकों की ताकत मिली है तो खेती किसानी से लेकर व्यापार कारोबार तक सब में गांव के लोगों की मदद हो रही है। साथियों, पहले की सरकारों ने भारत के गांवों के साथ एक और बड़ा अन्याय किया था। पहले की सरकारें गांव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी,
गांव अपने आप में कोई वोट बैंक तो था ही नहीं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। गांव के लोगों को बांटकर कई राजनीतिक दल अपनी दुकान चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने गांवों के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया है। हमारी सरकार ने गांवों के विकास के लिए भी तिजोरी खोल दी। आप देखिए, हर घर जल योजना पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। पीएम आवास योजना पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दशकों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना पर भी 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी सरकार ने करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। यहां एमपी के लगभग 90 लाख किसानों को भी 18.5 हजार करोड़ रुपए इस योजना के तहत मिले हैं। इस निधि से रीवा के किसानों को भी करीब करीब 500 करोड़ रुपया मिले हैं। हमारी सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है उससे भी गांवों में 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पहुंचे हैं। कोरोना के इस काल में पिछले 3 साल से हमारी सरकार गांव में रहने वाले गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। गरीब कल्याण की इस योजना पर भी 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, जब गांव में विकास के इतने काम होते हैं, जब इतना सारा पैसा खर्च होता है, तो गांव में रोजगार के अवसर भी बनते हैं। गांव में रोजगार स्वरोजगार को गति देने के लिए, गांव के लोगों को गांव में ही काम देने के लिए केंद्र सरकार मुद्रा योजना भी चला रही है। मुद्रा योजना के तहत लोगों को बीते वर्षों में 24 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे गांवों में भी करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया है। मुद्रा योजना की बहुत बड़ी लाभार्थी भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं। हमारी सरकार की योजनाएं किस तरह गांव में महिला सशक्तिकरण कर रही है, गांव में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है, उसकी चर्चा आज हर तरफ है। बीते 9 साल में 9 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई है। यहां मध्य प्रदेश में भी 50 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। हमारी सरकार में हर स्वयं सहायता समूह को बिना बैंक गारंटी 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। कितने ही लघु उद्योगों की कमान अब महिलाएं ही संभाल रही है। यहां तो राज्य सरकार ने हर जिले में दीदी कैफे भी बनाया है। पिछले पंचायत चुनावों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी करीब 17,000 बहनें पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर चुनी गई है। ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। मैं मध्य प्रदेश की नारी शक्ति को इसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां आजादी के अमृत महोत्सव में समावेशी विकास का अभियान भी शुरू हुआ है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास के भाव को सशक्त करने वाला है। विकसित भारत के लिए देश की हर पंचायत, हर संस्था का प्रतिनिधि, हर नागरिक, हम सबको जुटना होगा। ये तभी संभव है जब हर मूल सुविधा तेजी से 100% लाभार्थी तक पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के पहुंचे।
इसमें आप सभी पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत बड़ी है। भाई और बहनों, पंचायतों द्वारा खेती से जुड़ी नई व्यवस्थाओं को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती को लेकर आज देश में बहुत व्यापक स्तर पर काम चल रहा है। यहां भी केमिकल खेती के नुकसान के बारे में चर्चा हुई है। हमने देखा कि कैसे हमारी बेटियों ने धरती मां की तकलीफ के बारे में हम सभी को बताया, नाट्य प्रयोग करके धरती मां की वेदना हम तक पहुंचाई है। केमिकल वाली खेती से धरती मां का जो नुकसान हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से हमारी इन बेटियों ने सबको समझाया है। धरती की ये पुकार हम सभी को समझनी होगी। हमें हमारी मां को मारने का हक नहीं है। ये धरती हमारी मां है, उस मां को मारने का हमें अधिकार नहीं है। मेरा आग्रह है कि हमारी पंचायतें प्राकृतिक खेती को लेकर जन जागरण अभियान चलाए। छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे भाई बहन हो, इनकी मदद के लिए जो अभियान केंद्र सरकार चला रही है उसमें भी पंचायतों की बड़ी भागीदारी है। जब आप विकास से जुड़ी हर गतिविधि से जुड़ेंगे तो राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को बल मिलेगा। यही अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बनेगी। साथियों, आज पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश विकास को नई गति देने वाली कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट रेल लाइन के बिजलीकरण से इस क्षेत्र के लोगों की दिल्ली चेन्नई और हावड़ा मुंबई तक कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी होगा। आज छिंदवाड़ा नैनपुर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है। इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्बे और गांव अपने जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा सिवनी से सीधे जुड़ जाएंगे। इन ट्रेनों की मदद से नागपुर और जबलपुर जाना भी आसान हो जाएगा। आज जो रीवा इतवारी छिंदवाड़ा नई ट्रेन चली है, उससे भी अब सिवनी और छिंदवाड़ा सीधे नागपुर से जुड़ जाएंगे। ये पूरा क्षेत्र तो अपने वन्य जीवों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां पर्यटन भी बढ़ाएगी और रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। इसका बड़ा लाभ यहां के किसानों को होगा, विद्यार्थियों को होगा, रेलवे के डेली पैसेंजर्स को होगा, छोटे कारोबारी और दुकानदारों को होगा। यानी डबल इंजन की सरकार ने आज आपकी खुशियां भी डबल कर दी है। साथियों, आज मैं आपका एक और बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी शिवराज जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया कि इस रविवार मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के स्नेह और आपके योगदान की वजह से ही मन की बात आज इस मुकाम तक पहुंचा है। मध्य प्रदेश के अनेक लोगों की उपलब्धियों का जिक्र मैंने मन की बात में किया है। यहां के लोगों की लाखों चिट्ठियां और संदेश भी मुझे मिलते रहे हैं। इस बार रविवार को मन की बात में फिर आपसे मिलने के लिए मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि सेंचुरी है ना, और हमारे यहां तो सेंचुरी का जरा महत्व ज्यादा ही होता है। आप हर बार की तरह रविवार को अवश्य मेरे साथ जुड़िएगा। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को पंचायती राज दिवस की
अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपके साथ साथ मंच पर आसीन माननीय राज्यपाल महोदय।